हरे कृष्ण एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडिंग स्प्लिट। दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, सो मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट टॉपिक यही लिया जाए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो मैं योगा क्लास देती थी, तो मेरी योगा क्लास में काफी लोगों ने अचीव किया है ये स्टैंडिंग स्प्लिट। आप देख सकते हैं नॉर्मल स्टैंडिंग स्प्लिट किया है, एडवांस स्टैंडिंग स्प्लिट किया है। पिक्चर्स ये नहीं, आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोग्रेस। तो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई योगा क्लासेस फॉर अ डेली योगा प्रैक्टिस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी भी डिटेल्स ये रही, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे टू नो अबाउट द क्लास टाइमिंग्स एंड द फीस। बैक टू द टॉपिक, आ जाते हैं अपने स्टैंडिंग स्प्लिट पे। उससे पहले हम कुछ अपनी मसल्स को वार्म अप करेंगे, तो वार्म अप करेंगे विद सम हिप ओपनिंग योगा पोजेस। स्टैंडिंग स्प्लिट करने में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जिनको हमें स्ट्रेच करना है, वो है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे ध्यान देना, हमारी काफ मसल पे, प्लस हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स। और अपर लेग होता है द एक्सटेंडेड लेग, उसमें जो ग्लूटस मैक्सिमम मसल्स विच इज़ प्रेजेंट इन आर हिप एरिया, वो भी हमारी स्ट्रेच होगी। यही सब स्ट्रेच करके हम अपनी हिप ओपनिंग भी कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव योर स्प्लिट्स, योर स्टैंडिंग स्प्लिट और एनी काइंड ऑफ स्प्लिट। सो स्टार्ट मैंने कर दिया है, आपने जैसे देखा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रॉपर हिप ओपनिंग में। माउंटेन पोज, ब्रिंग योर राइट लेग फॉरवर्ड आउटसाइड द मैट, पीछे वाले लेग की हील अप रहेगी, दोनों पाम्स हम नीज पे रखेंगे। यहाँ पे हम क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ट्राई टू टेक योर हिप डाउन एटलीस्ट 10 टाइम्स, उसको करना है एक साइड से। नाउ पीछे वाले नी को रखते हुए मैट पे, दोनों पाम्स अपने मैट पर, एंड देन एल्बो प्लेस करेंगे मैट पे। फिर से नी अप एंड डाउन और योर हिप अप एंड डाउन 10 टाइम्स फ्रॉम दिस साइड। इससे क्या होगा, आपके क्वाड स्ट्रेच होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए ट्राई टू ब्रिंग योर हील फॉरवर्ड एंड बैक, हील को हम स्लाइड करेंगे आगे एंड पीछे, जितना हम आगे लेकर जा सकते हैं उतना। इस ड्रिल को ना डेली बेसिस करने से आप अपना फ्रंट स्प्लिट भी कर सकते हैं। सो अब हम दूसरी साइड स्ट्रेच करेंगे, दोनों पाम्स अपने लेफ्ट नी पे रखते हुए हिप अप एंड डाउन, ट्राई टू स्ट्रेच योर क्वाड्स। कंफर्टेबल हैं तो अपने क्वाड्स को जितना नीचे लेकर जा सकते हैं उतना लेकर जाइए। नाउ प्लेस द नी ऑन द मैट एंड एल्बोज, अगेन हिप अप एंड डाउन 10 टाइम ईच साइड। नाउ फिर से स्लाइड करेंगे हील फॉरवर्ड एंड बैक, स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। अब हम आ जाएंगे अपने कैट का पोजिशन में, क्योंकि हमारे बैक भी थोड़ा स्ट्रेच रहनी चाहिए, लोअर बैक। इनहेल लुक अप टू द सीलिंग एंड एक्सहेल राउंड द बैक, इसको हम करेंगे एटलीस्ट 5-10 टाइम्स। नाउ ब्रिंग योर राइट फुट इन द मिडल ऑफ योर पाम्स, यहाँ पे हम हाफ स्प्लिट में जाएंगे, एंड देन ट्राई टू टच योर हेड ऑन योर नी, फॉरवर्ड एंड बैक करना है एटलीस्ट 5-10 टाइम्स, जितना आप कर सकते हैं। प्रॉपर आपका स्ट्रेच आएगा हैमस्ट्रिंग में यहाँ पे। नाउ साइड चेंज, इसके बाद हम साइड चेंज करते हुए दूसरी साइड करेंगे, ब्रिंग योर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड बिटवीन योर पाम्स, इनहेल करते हुए आगे की ओर जाएंगे, एंड एक्सहेल कम बैक अगेन 5-10 टाइम्स। इस प्रैक्टिस को करेंगे रिपीट। अब हम इनर थाइस को स्ट्रेच करेंगे, तो जिस पोजीशन में आके ट्राई टू टेक योर हिप डाउन, जितना नीचे लेकर जा सकते हैं, हिप अप एंड डाउन ही करना है हमें सारे स्टेप्स में। देन साइड चेंज 5 times ईच साइड, फील द स्ट्रेच इन योर इनर थाइज हेयर। स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस स्ट्रेच को फील करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस भी ख़राब जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये, लेग्स को बैंड करेंगे अर्धमलासना में लेफ्ट टू राइट। नहीं कर पा रहे तो दोनों पाम्स को बीच में रखते हुए इसको, दो नी को बैंड करते हुए लेफ्ट टू राइट एटलीस्ट 10 टाइम्स, से हमारी प्रॉपर स्ट्रेच होगा इनर थाइज हैमस्ट्रिंग क्वाड्स एवरीथिंग। अभी यहाँ से हम साइड बैंड करेंगे टू द लेफ्ट साइड, लुक अप टू द सीलिंग, साइड चेंज, लुक अप टू द सीलिंग। थोड़ा बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेंगे, लेग होल्ड, ब्रिंग योर राइट नी अप, होल्ड करेंगे नी को, एंड 10 सेकेंड होल्ड, 10-20 सेकेंड्स दूसरी साइड से।
टो पॉइंटेड डाउन। यहाँ से थोड़ी लेग एक्सरसाइज करेंगे, ट्राई टू लिफ्ट योर लेग टू द राइट साइड 5 to 10 टाइम्स, जितना कर सकते हो उतना, जितना लिफ्ट हाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देन लेफ्ट साइड, वॉल की हेल्प से हमें लेग होल्ड करना है, राइट लेग को होल्ड करेंगे, कैच योर फुट और बिग टो एंड ट्राई टू लिफ्ट, मेक श्योर अ नी स्ट्रेट। दूसरा हाथ हम वॉल की साइड लेकर जाएंगे ताकि हम लॉन्गर टाइम तक होल्ड करें, एटलीस्ट 1 मिनट होल्ड करेंगे इसको, कंफर्टेबल है। दूसरा हाथ भी हटा लेंगे एंड ट्राई टू बैलेंस, गेज एट वन पॉइंट एंड बैलेंस करेंगे यहाँ पे जितना आप कर सकते हैं। देन साइड चेंज, दूसरा लेग उठाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर धीरे धीरे लेकर जाके होल्ड करेंगे इसको, 1 मिनट होल्ड की प्रैक्टिस करना है या फिर जितना आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में उतना। अब हम कुछ प्रैक्टिस अपनी चेयर की हेल्प से करेंगे, तो एक हाथ चेयर पे रखते हैं, दूसरा हाथ एकदम से उठा लेंगे, वॉल पे रखेंगे उसको। मेक श्योर जो आपका फुट है, अपर फुट आप फेसिंग योर हेड एंड लोअर फुट इज़ फेसिंग फॉरवर्ड और टू योर कैमरा। तो इसको हमें यहाँ से क्या करना है, ट्राई टू पुश योर हिप फॉरवर्ड टूवर्ड्स द वॉल एंड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ योर नी जॉइंट, लोअर लेग नी जॉइंट एकदम से फिक्स रखना है, इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों साइड से होल्ड करेंगे एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स, ट्राई टू पुश योर हिप फॉरवर्ड, अगर कंफर्टेबल नहीं है बस तो होल्ड करेंगे यहीं पर। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम चेयर के साथ, मेक श्योर योर राइट हैंड इनसाइड एंड शोल्डर इनसाइड द लेग, कैच करेंगे लेफ्ट हैंड से राइट फुट एंड ट्राई टू लिफ्ट, जितना लिफ्ट हो रहा है उतना करें, जरूरी नहीं आपका पूरा लिफ्ट हो एक दिन में, बट ट्राई टू होल्ड। नेक्स्ट प्रैक्टिस वॉल के साथ करेंगे, वन आर्म डिस्टेंस लेंगे वॉल से एंड जहाँ पे पाम था वहीं पे हम फुट को रख देंगे। नाउ यू हैव टू टेक द इंटरनल रोटेशन हेयर एंड टेक योर राइट शोल्डर इनसाइड, जो आपका पाम है वो फुट के एकदम पीछे जाएगा, फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड आपको कैच करना है अपना फुट राइट फुट एंड धीरे से इसको ऊपर की ओर लेकर जाएंगे जितना हो रहा है उतना एंड होल्ड। आप कंफर्टेबल है यहाँ पे तो विदाउट सपोर्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हियर यू गो, होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस आप डेली बेसिस पे करें तभी आपको बेनिफिट्स होंगे इसके, एक दिन में करके ये नहीं होगा ऑब्वियसली, कुछ टाइम लगेगा ये सब करने में, तो आई होप आप इसको डेली प्रैक्टिस करें। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।